एसोसिएशन महाराष्ट्र राज्य ने हिंगना तालुका में मुंबई आतंकवादी हमले में शहीद हुए बहादुर जवानों के लिए एक स्मारक सेवा का आयोजन किया। वहीं रिलायंस एस स्मार्ट के सामने कार्यक्रम स्थल पर वीर जवानों की याद में कैंडल मार्च निकालकर भारत माता की जय वंदे मातरम वीर जवान अमर रहे के नारे लगाकर कैंडल मार्च कर समापन किया गया। उसके बाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कर्नल आर पाटिल और MIDC पुलिस स्टेशन की यातायात शाखा के पुलिस निरीक्षक नरेंद्र वानखेड़े ने पुष्प चक्र अर्पित करके वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। नरेंद्र वानखेड़े नागपुर जिला मानव अधिकार अध्यक्ष स्वर्णा नवघरे आयोजक कार्यक्रम के संचालक और पुलिस बॉयज एसोसिएशन नागपुर के जिला अध्यक्ष राकेश करांडे मुख्य रूप से उपस्थित थे। इसके अलावा गणेश तंगसले नागपुर जिला उपाध्यक्ष संजय भोयर नागपुर ग्रामीण अध्यक्ष कमलेश खोबरागड़े नागपुर ग्रामीण सचिव अनिल अड़ेकर नागपुर ग्रामीण संयुक्त सचिव अतुल जाधव संपर्क प्रमुख मंगेश अंबुकर विनोद ठाकरे ओम प्रकाश वैद्य विशाल बनकर अतुल कालस्कर महिला सदस्य मोहल्ले के नागरिक एवं संगठन के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। करंडे नागपुर जिला अध्यक्ष पुलिस बॉयज एसोसिएशन 26/11 हा कार्यक्रम महाराष्ट्र मध्ये पुलिस बॉयज करता है संपूर्ण महाराष्ट्र मध्ये करता है आणि 2013 पासून हा संपूर्ण महाराष्ट्र श्रद्धांजलि कार्यक्रम राबवण्यात येते पुलिस बॉयज तर्फे कि लोगों में जागरूकता 26/11 महाराष्ट्र पुलिस ने जो बलिदान दिया है देश के लिए वो लोग दिन ब दिन भूलते जा रहे हैं। लोगों को हर प्रोग्राम याद है पर 26/11 में क्या हुआ था ये लोगों को आज तक पता नहीं है, लोग भूलते जा रहे हैं। इसके माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं 26/11 महाराष्ट्र पुलिस ने जो बलिदान दिया वो भूलना नहीं चाहिए। वानखेड़े पुलिस इंस्पेक्टर ट्रैफिक विभाग आदि MIDC आजचा दिवस हा भारतातील सर्व लोकांना परिचित आहे। या दिना हा दिवस कोणी विसरू शकत नाही। आपल्या शेजारी राष्ट्राचे शत्रू यांनी आज आमच्यावर इतका भयानक प्रसंग निर्माण करून दिला होता ही आठवण आणि त्यात तुकाराम अंबाळेसारखे शहीद यांनी दाखविलेल्या अतुलनीय कामगिरीबद्दल आज आम्ही स्मृती दिन त्यांचा पाळण्याचं ठरवलं आहे आणि पोलीस बॉईज या संघटने पोलीस बॉईज संघटना नागपूर यांच्या वतीने या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं आहे। तर आता श्रद्धांजली असल्यामुळे यांच्याविषयी काही अधिक माहिती देता येणार नाही, परंतु मी पोलीस बॉईज संघटनेचं अभिनंदन करतो की त्यांनी असे स्तुत्र कार्यक्रम नागपूर शहर व परिसरात राबवावे जेणेकरून येणाऱ्या भावी पिढींना आमच्या शूरवीरांनी जे कर्तव्य परायणातून त्यांनी अतिशय उत्कृष्ट लढा देऊन आमच्या देशवासियाचं आणि भारताचं एक शस्त्रसज्ज असलेल्या आतंकवाद्याला एक लाठीधाऱ्यांनी पकडून जो पूर्ण जगासमोर आदर्श निर्माण करून ठेवलेला आहे अशा श्री तुकारामजी ओंबाळे व समस्त पोलीस दलातील शहीद झालेल्या तसेच मुंबई शहरातील जे 26/11 हल्ल्यात मृत्युमुखी पडले त्यांच्या सर्वांना आम्ही श्रद्धांजली अर्पण करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ अभिषेक पांसी BCN न्यूज़ नागपुर।